ये डिजाइन है, ये दो सिलाई में डला हुआ है, सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई में, और तीन फंदे उल्टे से लिए हमने ये बुनाई बना रखी है। बहुत आसान है। ये कैसे बनी है ये मैं आपको बताती हूँ। दो रंग की ऊन से हमने इसे करा है, अब ये पीली ऊन से कर रहे हैं हम। पहले एक शुरू का फंदा हम सीधा लेंगे, बी तीन उल्टे, एक उल्टा ऊन को पीछे करें, इसे बिना बुना उतारना है, इसे बुनना नहीं है, ऊन को आगे करें, ये तीन उल्टे, एक दो तीन, फिर उनको पीछे करें, फिर एक सीधा एक फंदा ऐसे उतारना है बिना बुना, फिर उनको आगे करें, फिर तीन उल्टे, एक दो तीन, फिर उनको पीछे करें, जैसे ऐसे उतारना है, जैसे बुनना नहीं है, फिर उनको आगे करें, फिर तीन फंदे उल्टे बुने। ये जो दो फंदे रह गए हैं, यहाँ पे हमने शुरू में एक फंदा बुना था, तो ये हमने दो फंदे, ये एक फंदा बच गया है, इसलिए हमने दो सीधे बुन रहे हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी करनी है। ये जो नीला फंदा है, बैंगनी फंदा, इसे बुनना नहीं है, इसे ऐसे उतार लेना, जो हमने बिना बुना आगे फंदा उतार करा था उसे ऐसे बुन करना है, इसे बुनना नहीं है। इसे भी ऐसे उतारें। ये इस तरह बनेगा। अब हम नीले से करेंगे। जो शुरू का एक फंदा सीधा बुने, उनको आगे करके, तो ये जो ये हम ये बनाया है उल्टा बुनने हैं तीन। अब ये जो फंदा हमने बिना बुना बुना था, इसे भी उल्टा बुन ले, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, तीन ऊन को पीछे करें, इनमें से एक फंदा बिना बुना उतारना है, फिर एक ये तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, एक दो तीन, फिर ऊन को पीछे करें, फिर ये वाला फंदा ऐसे उतारना है, इस तरह इसमें ये खुली हुई इस तरह डिजाइन पढ़ने का। अब उल्टी सिलाई करें। उल्टी सिलाई में ये फंदा ऐसे उतारना है,
ये आ गया। अब हम क्रीम से करेंगे। ये हर सीधी सिलाई में ऊन बदलनी है। ये शुरू में एक फंदा सीधा करा, फिर ये तीन उल्टे करेंगे हम। एक यहाँ पे हम बिना बुना उतारेंगे फंदा। ये जो फंदा आ रहा है, ये फली के ऊपर ही फली आनी चाहिए। तीन फंदे उल्टे करेंगे, फिर उन बिना बुना उतारें। उल्टी सिलाई में ये जो नीला बैंगनी फंदा है, इसे बिना बुना उतारना है। पूरी सिलाई उल्टी ही करनी है। बैंगनी से करें, ये हमारा रीजन ये हो गया है। इसी तरह ये दो रंग की ऊन का बनाए। ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी है।
ये रीजन हमारा हो गया है। इसी तरह ही फली के ऊपर फली आनी चाहिए, तभी रीजन सुंदर लगेगा।